ओके, सो वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली आज मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये तो निफ्टी 50 का चार्ट है, बट मुझे लगा कि ये स्टॉक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग दोनों एक साथ करी जा सकती है, तो वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। उससे पहले देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें देखिए लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि बहुत निगेटिव हो गया है, बहुत बड़ी भीषण गिरावट आ सकती है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि रिटेल ट्रेडर जब तक है तब तक इतना भीषण गिरावट इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। रीज़न क्या है कि अगर उतना ज़बरदस्त गिरावट आ जाता है तो सब रिटेल ट्रेडर जान गए हैं कि एक अच्छे गिरावट पे हमें बाइंग कर लेना है और वहाँ पे रिटेल ट्रेडर का फ़ायदा हो जाएगा, और ये लॉजिक डेफिनेटली कंसिडरेबल है। तो और एक चीज़, हालांकि माइनर करेक्शन तो कंप्लीट हो गया है निफ्टी का, लेकिन एक मेजर करेक्शन अभी भी पेंडिंग है जो 2000 से 2500 पॉइंट का हो सकता है। अभी आप देखोगे तो टॉप से तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा हुआ है, तो एक मेजर करेक्शन जो पेंडिंग है निफ्टी का। आप देखोगे ये पूरा ट्रेंड, ये निफ्टी एक ही दिशा में बहुत दिनों से ऊपर जा रहा है। एक मेजर करेक्शन 2 से 2500 पॉइंट का पेंडिंग है, डेफिनेटली उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निफ्टी अभी उतना ज़्यादा निगेटिव मुझे नहीं लग रहा है कि ये एकदम बिल्कुल यहाँ से क्रैश ही कर जाएगा। तो एक स्टॉक मैं लेके आया हूँ आपके लिए जिसमें बाइंग करी जा सकती है। स्टॉक का नाम है देखिए कोलपाल, कोलगेट पाल्मोलिव। इसमें देखिए एक स्ट्रक्चर बहुत दिनों से बिल्ड हो रहा था, इसको बोलते हैं डायमंड स्ट्रक्चर। बिलीव मी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। आज से कुछ दिन पहले मैंने सेम डायमंड स्ट्रक्चर पे ट्रेड किया था SBI कार्ड में, बहुत ज़बरदस्त मुझे 5% का मुनाफा हुआ था। तकरीबन 3 दिन में 4 दिन में मुझे मिल गया था, मैं ब्रेकआउट होने से पहले ही उसमें एंट्री कर गया था क्योंकि मुझे मालूम था ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर एंट्री करने का मौका नहीं देगा। तो सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ कोलपाल में भी बना हुआ है। इसमें देखिए मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अगर ये कॉस्ट के आसपास 1581 पे क्लोजिंग आई हुई है और अगर ये यहीं 1581 के आसपास इसी रेंज में मुझे एंट्री मिलता है तो मैं एंट्री कर लूँगा, और उसके बाद अगर ये खुलता ही है इसी के आसपास 1580-1585 के आसपास तो मैं डायरेक्ट एंट्री वहीं पे कर लूँगा। और उसके बाद अगर विद इन इंट्राडे, आज मैंने सुबह बाइंग किया और 2% का प्रॉफिट मुझे दिखने लगेगा, अगर आधे घंटे में दिखने लगे या शाम को जब भी दिखने लगेगा वो मैं पोजीशन काट दूँगा, 2% का प्रॉफिट मैं लेके निकल जाऊँगा। क्योंकि देखिए जो मार्केट में हल्की सी निगेटिविटी है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो फर्दर इम्पेक्ट कर सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही करे। मार्केट एक ही डायरेक्शन में नीचे या ऊपर नहीं जाता है, तो अगर 2% मुझे इंट्राडे में नहीं मिलता है तो उस केस में मैं इसकी डिलीवरी उठा लूँगा, क्योंकि मैं मार्जिन लेके मैं लिवरेज यूज़ नहीं करता हूँ ट्रेडिंग में, तो मैं इसकी डिलीवरी उठा लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन 5 दिन होल्ड करूँगा, जिसमें मुझे लग रहा है कि 4-5% तकरीबन 1700-1750 का लेवल मुझे इसमें दिखाई पड़ रहा है कि जो जल्दी आ सकते हैं। और इसमें मैं बस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर तो आपको मिलेंगे, ब्रेकआउट्स भी मिलेंगे जो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। ये स्टॉक मेरी नज़र में उस समय आया जब ये स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग दिखा इसमें, और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था फ्यूचर के ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में। जब आप इसके डेटा को और अच्छे से एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट जो लॉन्ग करने वाले हैं उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है और इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो इंटरनल जो मतलब पीछे से जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें लॉन्ग हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें जो एक मोमेंटम आए वो एक अच्छा खासा मोमेंटम हो। ये फ़िलहाल के लिए मैं अगर आपको बता दूँ तो इसमें से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो एंट्री नहीं करना है 20-30 पॉइंट का, लेकिन 1580 या 1578-1575 के आसपास खुलता है तो वो एंट्री होगा, 1585 के आसपास 90 के आसपास ये जोन आपका एंट्री का है यहाँ पे एंट्री होगा, और यहाँ से अगर 2% का रिटर्न आपको मिल जा रहा है तकरीबन 30 रुपये के आसपास आपको मिल जा रहा है अब इंट्राडे में, बहुत अच्छी बात है। एक दिन में 2% का बहुत बड़ा रिटर्न होता है,
आप कहीं फिक्स डिपॉजिट करोगे या कहीं दोगे तो 7% 5% मिलता है आपको एक साल में, तो वो मैं लेके एग्जिट हो जाऊंगा। अगर इनकेस 2% मुझे नहीं मिलता है एक दिन में, तो फिर उसकी डिलीवरी उठा लूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 दिनों में ये अच्छा 4-5% का 1700 के ऊपर ये जा सकता है, तो उस हिसाब से मेरी ट्रेडिंग रहेगी। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये जो मैं करने वाला हूँ इसमें आज वो आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ कि आप जो है सेम यही ट्रेड बस मेरे एनालिसिस पे जाके कर लो। आपको अगर ट्रेड करना है तो आप अपनी एनालिसिस करो, इसी पे देखो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है एंड उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड करो। एंड इसमें देखिए एक ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी आप इसे बोल सकते हैं टाइप का कुछ बना हुआ है, तो ओवरऑल पिक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, ट्रेड करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।